बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश 101 के लेसन नंबर 22 में आज हम स्टडी करेंगे दी कंपाउंड कम्प्लेक्स राइटिंग्स सेंटेंस टाइप्स। सेंटेंस के टाइप्स हैं हमारे सामने, सिंपल सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। आप जैसा कि जानते हैं, इससे पहले हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्किल डेवलप कर रहे थे और अब हम शिफ्ट कर चुके हैं रीडिंग से राइटिंग की तरफ। तो राइटिंग का हमारा आज पहला टॉपिक है सेंटेंस टाइप्स। आजकल आप जानते हैं कंप्यूटर और वर्ड प्रोसेसर जो है वो ऑटोमेटिकली सेंटेंस को ठीक करके आपके सामने रख देते हैं, लेकिन फिर भी हमने लिखना और बोलना होता है लैंग्वेज को, और सोचना होता है लैंग्वेज में, बोलना है, राइट लिखना है। तो अगर हम ग्रामर को समझ ले तो हमारा लिखना कॉन्फिडेंट वाला होगा, बोलेंगे हम अच्छे तरीके से, सोचेंगे हम लॉजिकल तरीके से। तो ये बात याद रखिए कि राइटिंग एक स्किल है। ये नहीं कि राइटिंग आपको नहीं आती तो ये आ ही नहीं सकती, या बचपन से कोई कॉग्निटिव, ये एक स्किल है जो सीखा जा सकता है। अगर हम प्रैक्टिस करें, नॉलेज रखें, रूल्स को फॉलो करें तो हम सीख सकते हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक है राइटिंग का। उम्मीद है कि आपकी राइटिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। गुड राइटिंग के लिए तीन स्टेप्स हैं। आपकी बुक बताती है रूल्स ऑफ ग्रामर सिंटेक्स, यानी ग्रामर और सिंटेक्स के रूल्स आपको पता हो, रिटोरिक आपको पता हो, कंपोजिशन आपको पता हो। तो पहले हम समझ लेते हैं ग्रामर्स को। ग्रामर जो है वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आठ तरह के होते हैं। इनमें नाउन होता है जो किसी भी चीज़ का नाम होता है, वर्ब होता है किसी काम, कोई भी काम वर्ब होता है, प्रोनाउन होता है ऐसे लफ्ज़ जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, जैसे ही, शी, इट। एडजेक्टिव होता है किसी भी नाउन की कोई प्रॉपर्टी होती है, गुड, बैड वगैरह। एडवर्ब है ऐसी जो वर्ब की प्रॉपर्टी होती है। प्रेपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डायरेक्शन को शो करते हैं। इन, ऑन। कंजक्शंस होते हैं जो दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं, और इंटरजेक्शंस होते हैं जो साइंस होते हैं। अब इसके अलावा चार तरह के वर्ड्स होते हैं, वो है पार्टिसिपल वर्ड्स, जीरंड होते हैं, इन्फिनिटिव होते हैं, रिलेटिव होते हैं, जो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को मिलाने से बनते हैं। जैसे पार्टिसिपल है, अगर वर्ब और एडजेक्टिव आपस में मिल जाए तो पार्टिसिपल बन जाएगा, अगर वर्ब और नाउन आपस से मिल जाए तो जीरंड बन जाएगा, अगर वर्ब और नाउन आपस में मिल जाए तो इन्फिनिटिव बन जाएगा, जैसे टू डिपॉजिट। ये बड़े इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। और अगर एक ऐसा लफ्ज़ जो एडवर्ब का भी काम कर रहा हो और कंजक्शन का भी काम कर रहा हो तो उसको हम कहेंगे रिलेटिव एडवर्ब। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिटोरिक की। रिटोरिक जो है वो क्या होता है, वर्ड को चूज़ करना, सही वर्ड्स को, फिर उनको ऑर्गेनाइज करके पैराग्राफ्स बनाना, लिखना, ये होती है रिटोरिक। तो ये पैराग्राफ लिखने के लिए आपको काम आएगा। राइटिंग के दो उसूल है। पहला उसूल है कि आप ग्रामर के, सिंटेक्स के, यूजेज और पंक्चुएशन के रूल समझें। दूसरा है कि वोकैबलरी आपको आती हो, कन्वेंशन आपको पता हो कि कहाँ पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो ये दो रूल्स आप लिख लें। पहले समझ लेते हैं सेंटेंस क्या होता है। पहले टॉपिक में आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ऑब्वियसली हम बढ़ेंगे। सेंटेंस जो है वो वर्ड्स का ग्रुप होता है जो आपस में मिल जाते हैं, और जिसमें ना सिंगल सब्जेक्ट या ना वर्ब या एक से ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती है, और वो एक मतलब हमें वाजी करे। जैसे आई रीड अ बुक, तो इसमें आई जो है वो नाउन और प्रोनाउन है, रीड जो है वो वर्ब है, बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है जो एक नाउन भी है। तो ये चीज़ें मिलाकर एक सेंटेंस बना रही है। अब सेंटेंस कई तरह के हो सकते हैं। अगर हम बात करें उनकी क्लासिफिकेशन की तो दो तरह से हो सकती है। एक उनके पर्पस की बेस पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप जुमला देखिए, ये क्वेश्चन है, ये भी एक सेंटेंस है, एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, ये कमांड वाला सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस है, अगर कर लो, ठीक है। तो शट अप जो है ये एक कमांड वाला सेंटेंस है। तो इस तरह सेंटेंस जो है वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, इंट्रोगेटिव हो सकते हैं, एक्सक्लेमेशन हो सकता है, कमांड वाले हो सकते हैं। और इस तरह कुछ सेंटेंसेस जो है वो स्ट्रक्चर की बेस पर भी डिवाइड किए जा सकते हैं, और इस बेस पर हम चार तरह के सेंटेंसेस डिवाइड कर लेते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो, वर्ब हो एक, और ये मिलकर एक सेंटेंस बना दे, तो ये सिंपल सेंटेंस होगा। ये लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम एक सिंपल सेंटेंस देखते हैं जिसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आया है, जैसे, या एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एक होना चाहिए, सब्जेक्ट कुड बी मोर देन वन। तो सिंपल सेंटेंस की कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। स्पार्क्स फ्लाई अपवर्ड्स, देखिए स्पार्क जो है यहाँ सब्जेक्ट है, फ्लाई यहाँ पर वर्ब है। अब यहाँ ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें दो सब्जेक्ट यूज हुए हैं, लैम्प एंड हैजलिट रोड चार्मिंग एसेस। तो अ सिंपल सेंटेंस में हैव मोर देन वन वर्ब। ये भी एक बात याद रखें कि ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट उसमें ज़्यादा हो, वर्ब भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे द चिल्ड्रन स्प्लैश्ड एंड स्विकल्ड इन द स्ट्रीम। लेकिन इस केस में सब्जेक्ट एक है, यानी सवाल हमें ये पता चला कि पहला हमें ये पता चला कि एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए, एक ही वर्ब होना चाहिए, फिर पता चला एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं, फिर ये पता चला एक से ज़्यादा वर्ब हो सकते हैं। अब चौथे नंबर पर यह कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीज़ें एक से ज़्यादा हो सकती है, यानी सब्जेक्ट भी ज़्यादा हो सकते हैं, वर्ब भी ज़्यादा हो सकते हैं। इस केस में देखें तो यहाँ देखें शमा, सलमान, मीको, तीन सब्जेक्ट है, और
ईट है, गो है, प्ले है, तीन वर्ब्स है यहाँ पर। तो अब यहाँ आपने प्रैक्टिस करनी है सेंटेंसेस, यहाँ आपने सब्जेक्ट फिल आउट करने हैं। डैश इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट, द बैट्समैन डैश द बॉल, ठीक है। द डैश इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट्स, क्रिकेट माई इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट्स, जो भी आप वर्ड्स बना रहे हैं। इस तरह के सवाल खैर पेपर में नहीं आते, पेपर में आपको सवाल आएगा सिंपल सेंटेंस फाइंड करने होंगे आपने। इसके बाद है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस जो है वो दो थॉट्स पर मुश्तमिल है। चाहे इसमें आपने ये नहीं देखना कितने वर्ब है, कितने सब्जेक्ट है, ये देखनी है कितनी थॉट्स है, यानी दो अलग अलग बातें हो। एक तो यहाँ पर ये कि वो बिरयानी, ठीक है, वाली बात हो रही है, यहाँ पर बाय मीट, दो अलग थॉट्स आ गई ना, तो ये आपके सामने क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। हिज लाइफ वॉज नॉट एज ईजी वन, इसकी ज़िंदगी ईजी नहीं थी, इवेंटफुल ना ही इवेंटफुल थी, दो अलग अलग बातें आ गई है। तो दो अलग अलग बातें आ गई है तो हमें उनको ज्वाइन करने के लिए कॉमा लगाना पड़ेगा, एंड लगाना पड़ेगा, बट लगाना पड़ेगा, सो फॉर, इस तरह के वर्ड्स लगाने पड़ेंगे जो ज्वाइनिंग वर्ड्स हो गए। इसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ क्लॉजेस समझ ले, फिर हमें मजीद अच्छी तरह समझ आ सकेगी कि कम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। दो तरह की क्लॉजेस होती है, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी जुमले का वो हिस्सा जो इंडिपेंडेंट है, अगर हम उसको अलग भी पढ़े तो मतलब समझ आएगा। लेकिन एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, हम उसको अगर अलग कर दें तो उसकी कुछ समझ नहीं आएगी, वो होता है डिपेंडेंट क्लॉज। तो अब लगता है आपको कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की समझ आ गई होगी, इसलिए हम ज़रा कम्प्लेक्स सेंटेंस को समझ लेते हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंस ये होता है, वन पार्ट कैन स्टैंड इंडिपेंडेंटली एज अ सिंपल सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस का एक हिस्सा जो है वो इंडिपेंडेंटली हो सकता है और दूसरा जो है वो डिपेंडेंट होता है, यानी एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट होता है। अब डिपेंडेंट वर्ड क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अलग, इसका कोई मतलब नहीं है, जो डिपेंड करते हैं लाइन के ऊपर। जैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, एज दी, एज अगर आ गया है तो इसका कोई मतलब नहीं है जब तक हम आगे बात ना लिखें। तो अब यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, ये जॉइनिंग वर्ड्स हैं, डिपेंडेंट वर्ड्स हैं जो डिपेंड करते हैं। जैसे बिफोर तब लगेगा जब उससे पहले कोई बात लिखी हो, बिकॉज तब लगेगा जब उससे पहले कोई रीज़न लिखा हो, ठीक है। इफ़ तब लगेगा जब उससे पहले हम बाद में देन लगाएंगे, आफ्टर तब लगेगा जब बाद में कुछ होना हो। तो इस तरह के सारे वर्ड जो है, सिंस तब लगेगा जब कुछ हो चुका हो, अनटिल तब लगेगा जब कुछ हो चुका हो, तो जब तक कुछ होना जाए, तो ये सारे वर्ड जो है ये डिपेंडेंट वर्ड्स हैं। ये आपने एक्सरसाइजेस फिलहाल इनको स्किप करें, और आपने जो करना है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि आपने करना क्या है। आप जो मैं हाईलाइट किया हुआ इनको देखते रहें, सेंटेंस कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस को समझे। ये कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस जो है इसमें दो या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और एक इसमें डिपेंडेंट क्लॉज होती है, यानी दो दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज सिर्फ एक ही होगी। जैसे अगर हम इस सेंटेंस को देखें, द रावल लेक वॉज इम्प्रेसिव, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, इंडिपेंडेंट है, यानी रावल लेक बहुत खूबसूरत है, बात अलग भी साबित हो रही है। शाहिद थॉट दैट लेक सैफुल मलूक वॉज रियली मोर ब्यूटीफुल, शाहिद ने सोचा कि जो सैफुल मलूक है वो ज़्यादा खूबसूरत है, ये भी डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, सॉरी। एंड द लेक हैड एवन सीन, कोई भी और झील जो अलग देखी जाए, ये इसका अलग कोई मतलब नहीं हो रहा, जाहिर हो रहा, तो ये डिपेंडेंट है। तो दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसी तरह द क्राउड ऑफ लेबर्स हैड बीन स्टैंडिंग पेटेंटली इन द वाटर फॉर 3 आवर्स, जो मजदूर है उनका जो रश है वो 3 घंटे से खड़ा हुआ है पानी के पास। एंड द ग्रेट शाउट ऑफ रिलीफ अरोज, और एक आवाज़ आती है सुकून की, द रेस्क्यू इज फाइनली अपेयर्ड, और रेस्क्यू जो है वो आ गई। अब रेस्क्यू आ गई मतलब समझ आ रहा है, ग्रेट शाउट रिलीफ अरोज, एक बड़ी पुरसुकून आवाज़ आई, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इससे पीछे या आगे कोई ना कोई बात होनी चाहिए। तो इस तरह से ये दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज बनकर आपके सामने क्या बना रहा है, एक कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहा है। तो अब यहाँ पर इन अ कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस द क्लॉजेज आर जॉइंट टुगेदर बाय अ डैश, बाय अ डिपेंडेंट वर्ड। अ डिपेंडेंट स्टेटमेंट इंक्लूड्स अ डिपेंडेंट वर्ड। तो अब इस तरह के सारे आपको सवाल आए हुए हैं, बाकी आपने खुद सॉल्व कर लेने और मुझे इनके आंसर्स आपने बताने हैं। अब आपको इसमें पेपर में क्या सवाल आएगा, जैसे मैंने आपको कहा था मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो वो ये कि आपको वो एक सेंटेंस देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताया ये कौन सा तरह का सेंटेंस है, क्या ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है, या कंपाउंड कम्प्लेक्स है। तो इस तरह के सवाल आपको पेपर में बहुत सारे आते हैं, ये आखिरी चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी यही है, लिहाजा इस चैप्टर में अपनी ग्रिफ्ट जो है वो ग्रिप अच्छी तरह से पकड़ ले इसमें, और पास पेपर्स में जल्दी आपको आपके सामने आपको सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।